हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग फेविक्सेल शाइन बॉक्स के चैलेंजेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे चैलेंजेस के बारे में बताने वाला हूं, हार्ड वगैरह कि आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि सोल फ्लोर 7 एग्जैक्ट डैमेज वगैरह। तो ये वीडियो एक हफ्ते पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आप फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ, तब मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए बिना शेयर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इसको सब ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वन हिट वंडर, जिसमें 50 मिलियन डैमेज देना है रेंजन के बाहर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको आर्मर बता देता हूँ। तो आर्मर के लिए आपको यूज़ करना है मैक्स टक्सेडो आर्मर, और उसके साथ आपको यूज़ करना है वार्डन हेलमेट। इन सबको आपको आइटम शॉप से मैक्स कर लेना है, रिकॉम और इंचेंट्स वगैरह के साथ। और उसके साथ आपको यूज़ करना है एंड ड्रैगन पैड। मैंने टेस्ट किया है वार्डन हेलमेट और टक्सेडो के साथ, एंड ड्रैगन ज़्यादा डैमेज देता है गोल्डन ड्रैगन से। और यहाँ से आपको लेनी है स्ट्रॉन्ग पावर रिफॉल्ज, और अपने ट्यूनिंग पास का आपको डालना है स्पीड में, क्योंकि वार्डन हेलमेट की वेल्टी स्पीड ज़्यादा डैमेज देती है। तो उसके बाद आपको सारे टेलीशन वगैरह लेकर उनको रिकम करके मैक्स भी कर लेना है, जिससे आपके अच्छे से मैजिक पावर हो जाए, जैसे कि मेरी 700 है। उसके बाद आपको यहाँ से लेना है एक इल्यूजन वॉन्ड और उसको मैक्स कर देना है। मैंने पहले से कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने लगा है रेडर डिफॉल्ट वन फॉर ऑल और रिकॉम, और बस यही है हमारे। अब हमें चलना है इसको लेके एंड में। तो एंड में आने के बाद हमें चलना है नीचे, और हमें यहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक करना है, और उसके साथ हमारा चैलेंज पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये 7000 इंटेलिजेंस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको आर्मर बता देता हूँ। तो आर्मर के लिए आपको यूज़ करना है मैक्स अरोरा आर्मर। तो ये रहा इन्फर्नल अरोरा आर्मर, आपको लेना पूरा नेक्रोटिक, और चेस्ट प्लेट पर लविंग लगानी है, पूरे में विजडम, और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स लगानी है आपको माना पुल और माना रीजन 10। उसके अलावा आपको उसको रिफॉर्म करके बिल्कुल मैक्स कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेनी है साइटेड रिफॉल्ज, और अपने ट्रेनिंग पास को सबको डालना है इंटेलिजेंस में। तो उसके बाद हमारे 6700 हो चुकी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इक्विपमेंट्स, वो भी बिल्कुल मैक्स रिकम होने चाहिए, और उसके बाद हमारे पास माना पुल और माना रीजन लगा होना चाहिए 10। रीजन की जरूरत है लेकिन पुल तो होना चाहिए। उसके बाद हमको एक आइटम लेंगे जिसमें हीरोइक रिफॉर्ज लगी हुई है, और वो रिकॉम होना चाहिए, उसकी रियलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके साथ हमारा आराम से ये भी पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी 7900 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आइए फॉल्स मास्टर। तो हमें 200 आइटम्स 7900 में फॉल्स करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको इजी आइटम्स बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर फॉल्स में जाएंगे, और यहाँ से आइटम्स में, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये ड्रिल, टाइटेनियम ड्रिल X455। तो आप यहाँ से एक 355 को ले सकते हैं आइटम लिस्ट से, और इसको अपग्रेड करके 455 बना सकते हैं। यहाँ से आपको लेनी है ड्रिल, और उसके अलावा आपको बाजार से या फिर आइटम लिस्ट से आपको सारे आइटम्स ले लेने हैं, और उसको फिर आपको इनको 5 लेवल्स में ड्रिल्स लगानी है, और उसको फौज करके जाना लगातार, उससे आपके 200 हो जाएंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने भी 200 कर लिए थे, आप देख सकते हैं मैंने 4-5 पेज भर के ड्रिल्स बनाई थी, और इससे मेरा चैलेंज पूरा हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास आइए क्राफ्ट यूनिक आइटम्स। तो इसमें हमें 360 यूनिक आइटम्स बनाने हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ से जाएंगे कलेक्शंस में, और यहाँ से मिनियंस में, तो आपको यहाँ से बहुत सारे मिनियंस मिल जाएंगे, जिसके आप 11 तक बना सकते हैं। उसके लिए आपको बाजार से आइटम्स बाय कर लेने हैं, जैसे कि फार्मिंग के, माइनिंग के, कॉम्बैट वगैरह के, इस सब आइटम्स को बाय करने हैं, आपको मिनियंस बनाने हैं, और इससे आपको ये चैलेंज आराम से हो जाएगा। और अगर आपको कुछ बचे तो आप कुछ ईजी रेसिपी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइए गैजल 1200 रेयर ड्रॉप्स। तो इसके लिए हमें रेयर ड्रॉप्स चाहिए, तो उसके लिए आपको आदल पे आ जाना है, और यहाँ पे आपका अपने सारे स्लॉट्स अनलॉक हो जाएंगे पिछले से मिनी क्राफ्ट करके। तो उससे आपको यहाँ पे सारे लगा लेने हैं 11 के जोम्बी बनियंस, और उसमें लगा लेने हाइपर कैटलिस्ट। स्टोरेज की टेंशन नहीं लेनी, हमें बस इनसे काम जाना नहीं है। इसके अलावा आपको लेना है स्पिरिट चैप्टर। अब आपको यहाँ पे जोम्बी से इकट्ठा होने का इंतजार करना है, और जैसे एक साथ इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ से सबको एक साथ मार लेना है। तो आपको आप देख सकते हैं बहुत सारे रेड ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद आप 12 पर यूज़ कर सकते हैं मोर मैजिक के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है लंबल जैक। तो ये तो आसान ही है, तो इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि एक आपको यूज़ करना है यहाँ पे लेजेंडरी मंकी पैट, इसको आपको लेना है रेड कर ले रहे हैं। इसके अलावा आप इससे पैट आइटम भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको लेना है कैपेसिटर, जिससे आपको एफिशिएंसी टेन लगानी है, और इसको मैक्स कर लेना है। नेक्स्ट आपको आना है यहाँ पे डार्क ऑफ फॉरेस्ट पे, और यहाँ पे आपको टेलीपोर्ट होते जाना है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, और इसको फॉल्जिंग करती जानी है। इसके साथ आपको यूज़ करना है एक लार्ज फॉल्जिंग सैक, ताकि आपकी इन्वेंटरी फुल ना हो और आप आराम से स्पीड में काट पाएँ बहुत जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट हमारे पास आइए किल थंडर डिफेंस कल्बक मॉब। इसके लिए आपको बस आदल पे जाने और डंजन वगैरह पे, और सब मॉब्स को मार लें तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइए सबसे डिमांडेड वाला एग्जैक्ट डैमेज देने वाला।
तो गाइस ये थोड़ा करने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तब आपको इसका ट्यूटोरियल दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा एमरल्ड ब्लेड, जो कि आप आइटम लिस्ट से ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें अपना आर्मर निकाल देना है, या अगर आपको तब करना है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स हो पहले से। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा कॉइन्स ना हो तो आप अपने कॉइन्स को ऑक्शन हाउस या बाजार से आइटम्स बाय करके खाली कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ कॉइन्स लेने हैं, जैसे कि 100 मिलियन। उसके बाद आपको देखना है कि आपका डैमेज कितना जा रहा है। तो अभी मैं आप देख सकते हैं मेरे जा रहे हैं 46K। तो इसके बाद अगर आपका डैमेज कम जा रहा है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए अपने एमरल्ड ब्लेड को इंचेंट कर लेने और डिकॉ वगैरह कर लेने। अभी मेरे केस में तो मेरे मनी बहुत ज़्यादा है और मेरे ऑक्शन हाउस वगैरह से भी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया कि मैं मनी कम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि रिफोर्ज, हार्ड टारगेट। और अभी आप देख सकते हैं मेरा 89K हो चुका है। तब हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग लेंगे और जहाँ से हम हटा देते हैं ट्रेनिंग पॉइंट, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डैमेज इंक्रीज हो चुका होगा। तब हम एक बार डैमेज देख लेते हैं। तो अगर मेरे यहाँ 300K, तो क्या 100K करना इस बात से तो मुश्किल होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले अगर आपके पास कम हो तो आपको 100 मिलियन लेने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपका 100K के करीब डैमेज है या कम है। अगर कम है तो आपको यहाँ से कॉइन्स ले लेने हैं, और अगर आपको उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया 100K 110K से, तो उसके बाद आपको यहाँ आने और यहाँ से आपको एसएस बाय करने हैं। ये इसलिए क्योंकि आप इन्वेंट्री फुल नहीं होगी और इससे कॉइन्स कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको डैमेज कम करके एग्जैक्ट 1 रन करना है। अगर आपका 1 या 2 डैमेज ज़्यादा हो गया तो आपको 10K हटा के देखने हैं, और आपका कम हो गया तो आपको 1 मिलियन दे दें। उसके बाद आपको 100K करके हटाने हैं, और फिर अगर आपका डैमेज करीब आ जाए तो उसके बाद आपको 5K 2K ऐसे करके हटाने हैं। मैंने भी अपने सारे ऐसे ही किए थे कंप्लीट, इससे थोड़ा टाइम लग गया था। और आपके पास 1 डैमेज पूरा हो जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट 100 मिलियन एक साथ देने दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सीक्रेट सेंटर। इसके लिए आपको बस रेंजेस रन करने हैं, जैसे आपको मोब्स के लिए करने होंगे। तो उसके बाद आप ये करेंगे तो आपके रेंजेस में सीक्रेट्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोलॉजिकल क्रिएचर वाला, ये तो डायना आई थी उसमें वैसे आपको करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है 50,000 मॉब्स, इसके लिए सेम हम डेंजेंस कर सकते हैं। तो डेंजन के हम सीक्रेट्स के लिए करेंगे, तो उसके बाद ये भी करेंगे तो डेंजेंस हो जाएंगे और इन सब मॉब्स को मार लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये तीनों एक्चुअली हम एक साथ डेंजन में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने वेपन पे स्कैवेंजर इंचेन लगानी है, उसके बाद आप डेंजेंस रन करेंगे तो आप मॉब्स पे मारेंगे इतने सारे, तो उससे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये लेजेंडरी सीक्रेट्स वाला, तो इसके लिए आपको बस एक मैक्स फिशिंग रॉड ले लेनी है, और अपना मैक्स फिशिंग आर्मर और एक फिशिंग पैड ले लेना है, और उसके बाद आपको फिशिंग करनी है तो आपको लक के हिसाब से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तीनों एक साथ ही करने वाले हैं एंड में, जैसे कि एक क्रिस्टल फ्रैक्स वाला है और एक सुपीरियर ड्रैगन वाला है और एक एंड ड्रैगन पैड ड्रॉप करने वाला है। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले एंड में, और एंड में हमारे पास यहाँ पर डंजन एसेंस शॉप है ड्रैगन एसेंस, तो यहाँ से आपको जैसे सुपीरियर ड्रैगन वाला बर्ड को मैक्स कर लेना है। उसके बाद आपको ड्रैगन्स करने हैं। अगर आपका कोई दोस्त का ये भी नहीं किया हुआ है तो आप उसके साथ कर सकते हैं, तो आप दोनों का एक साथ काम हो जाएगा। आप 4-4 इसके हाथ ड्रैगन कर सकते हैं और आप इन तीनों को एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ओर्च माइन करने वाला, तो उसके लिए आपको एक मैक्स डिवाइन आर्मर ले लेना है। उसके बाद आपको अपना ये ड्रीम भी मैक्स कर लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एक्शन माइनर, माइनिंग स्पीड, माइनिंग फॉर्चून वगैरह, ये सब आपको ले लेना है। इसके लिए आपको मटेरियल पाउडर चाहिए होगा, जो कि आप आइटम चोर से ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक मैक्स डिवाइन ड्रिल भी ले लेनी है, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें ड्रिल इंजन और फ्यूल वगैरह लगा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक स्केदा पैट, जिसको आपको लेजेंडरी कर लेना है, और उस पर क्विक ग्लो लगा के उसको लेवल 100 कर लेना है। तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ऊपर, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ओर्स, आपको यहाँ के ओर्स को माइन करना है। तो इससे आपको आराम से 50,000 ओर्स माइन हो जाएंगे। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ी डे बैटमिन करते रहना है। मेरे पास क्लोज है, मैं थोड़ी डे में कर लूँगा। तो क्या हम बढ़ते हैं अपने लास्ट की तरफ, जो कि फ्लोर चैन को सोलो करना, जो कि सबसे मुश्किल होगा। तो इसके लिए आर्मर तो है ही नहीं, क्योंकि हमें बिना आर्मर के करना है। तो शॉर्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रिया, जिसको आपको कर लेना है मैक्स, और उसमें लगानी है विदर रिफोल्ज। उसके बाद गाइस आप एक आर्टिफाइड डाइस नाम की चीज़ होती है, जिसको आपको रोल करना है, और उसके बाद आपको 6 आएगा तो आपको हेल्थ बोनस मिलेगा, तो आपको उसको 6 तक रोल करना है। और उसके अलावा आपको रंजन के सारे ब्लेसिंग ले लेने हैं, ताकि आपकी हेल्थ मैक्स हो जाए और आप आराम से सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट आपको लेना है जारी शिन गन, और इससे आपको यहाँ के मैक्स और के दोनों क्रिस्टल्स को कर लेना है। वैसे यहाँ पे आप इसको आराम से कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा, वैसे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको वो बात धक्के देते रहेंगे और लैग वगैरह हुआ तो आप इसको जल्दी कर दे पाएंगे। बाकी आपको अगर ये मूव्स ज़्यादा होते हैं उनको मारते रहने और जल्दी से मैक्स और को उसके अंदर लेके जाना है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग फेस, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन गलती से डिलीट हो गया। तो उसमें आपको यूज़ करनी है कायरोकाइनेटिक वॉन्ड और डिकॉय को आप प्लेस करना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आपके पास आएगा तो आपको कायरोकाइनेटिक वॉन्ड से उसको अट्रैक्ट कर लेना है, और जल्दी से जाकर ब्लड को क्रश कर लेना है, और उसके बाद आप आराम से डैमेज देकर मार ही सकते हैं। और आपको फ्लोचान करना नहीं आता तो आप फ्लोचान की गाइड भी देख सकते हैं।
रिलैक्स हमारे पास है कोल्डर फेस, तो यहाँ पे टनल्स आपको करना आते ही होंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ आपको बहुत से डैमेज देने हैं। और जैसे अगर आपके ऊपर स्कल फेंके तो आपको बस साइड चेंज करते रहने बार बार थोड़ी देर बाद, और बस इसके स्कल से बच्चे उसको मारते रहने। अगर आपके हेल्थ कम हो तो आपके पास नोबी शॉर्ट और वॉन्ड अपने पास रखनी है और हील करते रहने। इसके बाद हमारे पास नेक्रॉन फेज है, तो सबसे पहले तो आपको यहीं से दूर से खड़े होकर नेक्रॉन को बहुत से डैमेज देने, और थोड़ी बार जब नेक्रॉन आपके पास आएगा तो आपको शॉर्ट से डैमेज देने। इसमें बस थोड़ा लैग का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बस आपको जल्दी जल्दी हीलिंग करते रहना है, क्योंकि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जाएगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके शॉर्ट से बचने की कोशिश करनी है। तो मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ, मेरे पास काफ़ी लैग हो रहा है इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दूँगा और उसके बाद इसको पूरा कर लूँगा। तो गाइस अगर मैंने सारे चैलेंज आपको करना बता दिए हैं, वीडियो थोड़ी लेट हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।